नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा 2021 है वो किस तारीख और किस महीने में आयोजित होगी, और आपको यह भी बताऊंगा कि आपके बोर्ड परीक्षा 2021 के पेपर के अंदर किस टाइप के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, बोर्ड परीक्षा 2021 में बढ़ेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या घटेगी। यानी कि दोस्तों, आपका जो पेपर होगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, उसमें छोटे छोटे प्रश्नों की जो संख्या है वो बढ़ जाने वाली है, और जो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है तो उनकी जो संख्या है वो अब घटेगी, क्योंकि दोस्तों आपकी जो पढ़ाई है वो भी नहीं हुई है। इसके कारण क्या किया गया है, छोटे छोटे प्रश्नों की संख्या है वो बढ़ा दी गई है और बड़े बड़े प्रश्नों की संख्या घटा दी गई है। इसी के साथ में आपको मैं एक और न्यूज दिखा देता हूँ। आप जो एक वहम पाल के बैठे थे कि हमारी बोर्ड परीक्षा 2021 नहीं होगी, हमें बिना परीक्षा ही पास करके अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा, दोस्तों तो अपना जो वहम है उसे दूर कर लीजिए, क्योंकि भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि इस साल बिना परीक्षा दिए प्रमोट नहीं किए जाएंगे विद्यार्थी। यानी कि दोस्तों, आपको परीक्षा देनी होगी, मेहनत करनी होगी, और उसी के बाद में आपका परिणाम है वो आएगा। आप इस न्यूज के ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है, कक्षा 5वीं व 8वीं की भी होगी बोर्ड परीक्षा। यानी कि दोस्तों, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2021 तो होगी ही होगी, लेकिन जो छोटी क्लासे हैं 5वीं और 8वीं, उनकी भी बोर्ड परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वार्षिक परीक्षा व गृह कार्य के आधार पर जारी होगा परिणाम। इस बार विद्यालयों में विद्यार्थी बिना परीक्षा प्रमोट नहीं होंगे, उन्हें वार्षिक परीक्षा व गृह कार्य के आधार पर उत्तीर्ण किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, आपकी वार्षिक परीक्षाएं 2021 है वो 100% जरूर होने वाली है, और आपका जो पेपर पैटर्न है वो पिछले साल की भांति रहेगा। यानी कि आपका 80 नंबर का पेपर आएगा और 20 नंबर आपको स्कूल की तरफ से भेजे जाएंगे। यानी कि दोस्तों, 100 नंबर का आपका टोटल पेपर रहने वाला है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा है उसका टाइम टेबल और डेट शीट क्या रहने वाली है। जब मैं नीचे चलता हूँ तो आपको बोर्ड परीक्षा 2021 जब आयोजित होगी उसका महीना मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बोर्ड परीक्षा 2021 में भारत के सभी बोर्ड करवाएंगे, लेकिन बीते 6 से 7 महीने कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई में बहुत बाधा पहुंची है, इसलिए पिछले सालों की भांति इस वर्ष बोर्ड परीक्षा मार्च 2021 में आयोजित नहीं होगी, बल्कि बोर्ड परीक्षा 2021 को 2 से 3 महीने आगे खिसकाया जाएगा, और अब आपकी बोर्ड परीक्षाएं 15 मई 2021 के बाद आयोजित होंगी, अथवा आपके प्रैक्टिकल एग्जाम अप्रैल महीने में ले लिए जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये तो फाइनल हो गया कि आपकी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो मार्च 2021 के अंदर नहीं होंगी, क्योंकि स्कूलें नहीं खुली है और ना ही विद्यार्थियों की पढ़ाई हुई है। तो दोस्तों, आपकी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो अब मार्च से 2 से 3 महीने आगे खिसका दी गई है, और आपकी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो अब 2021 के अंदर 15 मई के बाद आयोजित होंगी, और आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो आपकी बोर्ड परीक्षा से 1 महीने पहले यानी कि अप्रैल महीने में ले लिए जाएंगे। ये दोस्तों, मैं आपको भारत के सभी बोर्डों के बारे में बता रहा हूँ, चाहे वो CBSE हो, राजस्थान हो, जितने भी राज्य हैं उनके सभी बोर्डों की बोर्ड परीक्षाएं हैं वो 15 मई के बाद आयोजित होने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि अब आपके पेपर के अंदर छोटे छोटे प्रश्नों की जो संख्या है वो बढ़ने वाली है, और आपको किसी भी सूरत में 2021 के अंदर बिना परीक्षा के प्रमोट नहीं किया जाएगा, और आपकी बोर्ड परीक्षाएं 2021 है वो 15 मई के बाद आयोजित होंगी। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।